हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और काफ़ी सारे पार्टिसिपेटर्स जी मेरे ना डिस्कशन होती है वो एक कंप्लेंट कर रहे कि डॉक्टर सर साढ़े शोल्डर पेन है इस पॉइंट पे, काफ़ी पेन है और इस पॉइंट पे दो पॉइंट पे काफ़ी पेन तो रहती है। जो बहुत सारे पार्टिसिपेटर्स रेगुलर बैच बैच होते हैं तो इसके कारण काफ़ी सारे लिगामेंट इंजरी हो जाती है, टीयर हो जाते हैं, शोल्डर जॉइंट के वेसल्स सॉफ्ट मसल सॉफ्ट टिश्यू टीयर हो जाते हैं। वो जो टीयर हो जाते हैं अगर स्कार पा जाता है, जख्म पा जाता है, जो अभी चलो बेंच प्रेस फ्री जॉइंट के लगाई जा रहे हैं तो पेन रहेगी, फिर यही पेन शोल्डर प्रेस के लिए भी काम कर रही है। जो बहुत सारे बॉडी बिल्डर शोल्डर प्रेस हो जाते हैं तो जिन्हें कोई प्रॉब्लम है वो बेंच प्रेस के दर्द का उनके बारे डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस जो टेक्निक में दर्शा जा रहा है ये टेक्निक रिवर्स बेंच प्रेस एक्सरसाइज आज तस्वीर पर डिस्कशन कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज के नाल बहुत सारे मसल जड़े है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है, अच्छे डिवेलप भी होंगे चेस्ट के मसल, अपर पेक्टोरस मेजर पेक्टोरस और माइनर पेक्टोरस मसल जो है वो डिवेलप होते हैं। तो मैं ये थोड़ा डेमो देता किस तरह लगानी है कि एंगल बना रहे हैं। बेसिक्स जो मैं बेंच प्रेस के लिए दस बेसिक्स सेम है, थोड़े पोस्चर की होना चाहिए, लेटन का थोड़े टेबल के बॉडी के कॉन्टैक्ट की होना चाहिए। सो बाकी सारा कुछ हो ही है, ब्रीदिंग इनहेल एक्सहेल हो ही है। तो मैं तुम्हें दस रहा रिवर्स बेंच प्रेस के लिए थोड़ा एंगल हो ही रहेगा, हैंड ग्रिप एंगल हो ही रहेगा। सो सेम जो रिवर्स प्रेशर है वो इसी तरह स्लो ब्रीथ इनहेल फास्ट ब्रीथ एक्सहेल। तो ये भी तुम जो है वो आर्म जो है एल्बो को अगर जगह है वो बिल्कुल स्ट्रेन नहीं करना, तो वाइड रखना है। सेम ये भी जो दूसरी है एल्बो बिल्कुल 90 डिग्री स्ट्रेच नहीं कर रही है, तो अपने मसल को कंट्रैक्ट करना जो दूसरे अपवर्ड लेके कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं एक अलग वीडियो बनावा। अच्छा सिर्फ मैं तुम्हें दसागा कि एक्सरसाइज किस तरह करनी है, बेनिफिट्स की।